हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस इज़ न्यू वीडियो। यू लुक लाइक अ जस्ट साउंड अ चुका था, चुकी थे। एंड इससे पहले हमने बात करी थी चुका है, चुकी है, जिसमें हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं। बट इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी लाइक अ वॉज वर्ब की, रहा था, रही थी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हैड की। देखो, हैड का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जो पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं, जैसे चुका था, चुकी थे। इन सब की साउंड बताने के लिए हैड यूज़ करते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैड आता किस किस के साथ है। किस किस के साथ से मतलब है सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, लाइक आई हो जाए, यू हो, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, लाइक दिस, दैट, एट्सेट्रा। इट मीन्स ऑल सब्जेक्ट वी कैन यूज़ द हैड। हर एक सब्जेक्ट के साथ हम हैड यूज़ कर सकते हैं। बट हैड की एक कंडीशन होती है कि ये थर्ड फॉर्म के साथ में आता है, जैसे हैज़ और हैव होता है, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट के बाद हैड और उसके बाद एक एक्शन ऑफ थर्ड फॉर्म आती है। चलो फॉर एग्जाम्पल पहले इसका फार्मूला देखते हैं, फिर एक एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे फार्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। चलो लिसन टू द वन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फार्मूला। मैं आपको पहले ही बता चुका, आपने इस तरह के सेंटेंस बहुत बोले होंगे अपनी डेली लाइफ में एंड डेली रूटीन में। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका, तो इंग्लिश में बहुत ईजी है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। मैं आपको पहले ही बता चुका, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑलरेडी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, हम घर जा चुके थे, मतलब कोई काम पास्ट में ही हो चुका था, अभी नहीं हुआ, पास्ट में रिसेंट हुआ था। जैसे वी हैड गॉन होम। अब यहाँ पर होम के साथ में टू नहीं आएगा बिकॉज होम के साथ में टू आता ही नहीं है। तो जैसे आपकी टोल्ड हो गया, ये थर्ड फॉर्म है, गॉन हो गया, ये थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, वह खाना बना चुका था, ही हैड कुक्ड फूड, ही हैड कुक्ड फूड। ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है हैड। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, देखेंगे आगे वीडियो में। तुम मुझे पढ़ा चुके थे, मतलब उस कोई था जो तुम थे उसे पढ़ा चुके थे। यू हैड टॉट हिम, यू हैड टॉट मी, यू हैड टॉट मी। बस ये था पॉजिटिव इसका। अब इसकी बात करेंगे नेगेटिव। ज़रूर नहीं है कि हर चीज़ पॉजिटिव बोली जाए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमने नहीं करी। जैसे मैं खाना नहीं खा चुका था, ये नहीं कर चुका था, वो नहीं जा वहाँ नहीं जा चुका था, इस तरह। चलो इसके लिए भी इसका एक एग्जांपल से पहले फार्मूला देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट एंड देन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हैड के बाद में सिर्फ आपको नॉट ऐड करना है, नॉट के बाद आपको मेन वर्ब लगानी है, जैसे आपकी जो भी होती है, जैसे आपका उठना, बैठना, खाना, एंड देन उसमें आपको थर्ड फॉर्म ऐड करनी है। चलो फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। तो गाइस सेंटेंस है आपका ये, मैं पढ़ाई नहीं कर चुका था, मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की पास्ट में, बहुत अंदर जाके। तो आई हैड नॉट स्टडीड, स्टडी की थर्ड फॉर्म है स्टडीड, आई हैड नॉट स्टडीड। अब यहाँ पर आई हो या फिर वी हो, हम सबको हैड के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉज वर अलग अलग होता था, आपका हैज है अलग अलग, सबके साथ सेम करना है। जैसे नेक्स्ट है आपका, तुम उसे नहीं पीट चुके थे, यू हैडन बिटन हिम, यू हैडन बिटन हिम। अब यहाँ पर हैडन जो आया है वो शॉर्ट फॉर्म है हैड नॉट की, हैड नॉट को शॉर्ट में हैडन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका, वह बर्तन नहीं धो चुका था या फिर नहीं धो चुकी थी। जैसे ही हैडन डन द डिशेज, अब यहाँ पे डू द डिशेज है लेकिन डू की जो थर्ड फॉर्म है वो डन है। नेक्स्ट आपका, अमन टीवी नहीं देख चुका था, अमन हैड नॉट वॉच्ड टीवी, अमन हैड नॉट वॉच्ड टीवी। गाइस ये तो हो गया आपका नेगेटिव सेंस। बट अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पूछने की तरफ। देखो लाइफ में क्वेश्चन भी पूछना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले को रिप्लाई देते देते थक जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना वो बहुत सिंपल है। जैसे इंट्रोगेटिव की बात करें, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हैड रखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की मेन वर्ब, उसमें थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या पापा गाना गा चुके थे, क्या तुम ये कर चुके थे, क्या वो ऐसा कर चुका था, इस तरह के सेंटेंस। तो क्या पापा गाना गा चुके थे, हैड पापा संग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे सिंग की थर्ड फॉर्म संग है, हैड पापा संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है, क्या वह तुम्हें गाली दे चुका था, तो होगा हैड ही अब्यूज्ड यू, हैड ही अब्यूज्ड यू। नेक्स्ट है आपका, क्या तुम फोन चुरा चुके थे, मतलब अपने किसी से बोला कि तुम्हें ये काम करना है, ये चुराना है, तो आप पूछ रहे हैं मुझसे क्या तुम ये काम कर चुके थे या चुरा चुके थे। जैसे हैड यू स्टोलन मोबाइल,
क्या तुम फोन चुरा चुके थे? हैड यू स्टोलन मोबाइल? नेक्स्ट है आपका, क्या वह गाना खाना बना चुकी थी? हैड शी कुक्ड फूड? हैड शी कुक्ड फूड? ओके गाइज, सो गाइज ये था हमारा इंट्रोगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव में आपने सेकेंड टाइप भी सुना होगा, जैसे WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, लाइक व्हाट, वाई, कैन, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, इन सब को भी तो हम यूज़ करते हैं। जैसे इसका फार्मूला भी अलग होता है, वैसे फार्मूले ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप नोटबुक लेके बैठें, नोटबुक में लिख लें। फॉर एग्जांपल, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म तो आपको हैड में हमेशा लगानी है, कभी भी आए, किसी भी टाइम आए। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम कल कहाँ जा चुके थे? मतलब कोई किसी से पूछ रहा है कि तुम कल कहाँ जा चुके थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कल कहाँ जा चुके थे। वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे? वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे? वन हो गया। सेकंड देखते हैं, वह कल कब पढ़ाई कर चुका था? वह कब कल पढ़ाई कर ली उसने या कर चुका था? तो होगा व्हेन हैड ही स्टार्टेड यस्टरडे? व्हेन हैड ही स्टार्टेड यस्टरडे? नेक्स्ट है हमारा, हम क्यों उसे मिल चुके थे? हम क्यों उनसे मिल चुके थे या उसे मिल चुके थे? तो होगा व्हाई हैड वी मेट देम? व्हाई हैड वी मेट देम? एंड देन आपका नेक्स्ट है, वे क्या कर चुके थे? उन्होंने क्या कर लिया या वे क्या कर चुके थे? तो होगा व्हाट हैड दे डन? ये सारा पास्ट है, एकदम प्योर पास्ट जो हो चुका था। डेफिनेटली व्हाट हैड दे डन? गाइस ये थी आज की आपकी वीडियो, और आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल सेंटेंस जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं खाना खा चुका था, इसकी इंग्लिश आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट टुमारो।